नमस्कार दोस्तों, आर ओ आर ओ का मेंस का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, कल का वीडियो छूट गया था। तो कभी कभार छूट जाएगा तो आप लोग घबराइएगा मत, ये लगातार चलेगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम चाहे अब समय से हो चाहे ना हो, चूंकि अभी परिणाम नहीं आ पाया तो नहीं लगता कि समय से हो पाएगा, लेकिन फिर भी तैयारी आप जारी रखिए। जब भी होगा ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि रिजल्ट उसका एकदम तैयार है। इसलिए मुख्य परीक्षा अगर टलेगी भी, मान लीजिए टलती है, तो 1-8 महीने के लिए शिफ्ट होगी। तो इसलिए इसको तैयारी बरकरार रखिए, इसको मैं लगातार चलाऊंगा। मुख्य परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो जाएगी, समय से होता है तब भी, नहीं होता है तब भी, ठीक है। तो प्रशासनिक शब्दावलियां देख लीजिए, इंग्लिश टू हिंदी। देखिए, प्रशासनिक शब्दावलियों के बारे में एक बार और मैं बताना चाहता हूँ कि इन सबका अर्थ ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, मीनिंग पता है, लेकिन प्रशासनिक शब्द, प्रशासनिक क्या अर्थ आपको लिखना है, ये आपको नहीं जानकारी रहती है, जिससे वो गड़बड़ हो जाता है। सामान्य अर्थ तो हर कोई जानता है, लेकिन आपको वहाँ प्रशासनिक शब्द ही लिखना है, जो कि सरकारी पत्रों आदि में यूज किए जाते हैं, जो लेटर्स होते हैं। तो केस, केस का क्या अर्थ होगा? प्रकरण या मामला। इंडोर्स, ENDORSE, पृष्ठांकन करना। तो पृष्ठांकन कर, हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी दोनों पूछता है, इसलिए याद रखिए, इंडोर्स पृष्ठांकन करना। कवरिंग लेटर, आवरण पत्र, या आवरण पत्र का कवरिंग लेटर। डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन परिसीमन। इंसिनुएशन, इंसिनुएशन क्या होगा? परोक्ष संकेत या वक्रोक्ति। ये पिछली बार पूछा गया था आरओ यारों में, तो इसलिए इंसिनुएशन परोक्ष संकेत या परवक्रोक्ति। रेफरेंडम, जनमत संग्रह, रेफरेंडम जनमत संग्रह। डॉक्यूमेंट प्रलेख, डॉक्यूमेंट का प्रलेख। लॉन्च, लॉन्च करना या प्रक्षेपण करना, प्रक्षेपण लॉन्च। ग्रांट, ग्रांट अनुदान, ठीक है ना, अनुदान। इम्प्लॉयमेंट, सेवायोजन। इम्प्लॉयमेंट का क्या अर्थ आप लिख कर आएंगे? सेवायोजन। कॉरिगेंडम, शुद्धिपत्र। माइन्यूट्स, कार्यवृत्ति, माइन्यूट्स कार्यवृत्ति। योर्स फेथफुल्ली, भवदीय। योर्स सिंसियरली, आपका। तो भवदीय आएगा तो आप क्या लिखेंगे? योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली मत लिखेगा, आपका में आप क्या लिखेंगे? योर्स सिंसियरली, ठीक है। अब मुहावरे वालों को उक्तियां देख लीजिए। तोता चश्मी करना, स्नेह रहित होना। तोता चश्मी करना का अर्थ स्नेह रहित होना, इसका आप वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, अर्थात अवसरवादिता। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, अवसरवादिता। सब धान 22 पसेरी, अच्छे बुरे सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। इसका क्या अर्थ होगा मुहावरे का? अच्छे बुरे सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना। लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है ये। घड़ों पानी पड़ जाना, ये मुहावरा है। बहुत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ जाना अर्थात बहुत लज्जित होना। अंगूठा दिखाना, इनकार करना या मना कर देना, अंगूठा दिखाना। नानी याद आना अर्थात मुसीबत का अनुभव करना, ठीक है, नानी याद आना। काठ का उल्लू अर्थात नीरा मूर्ख या मूर्ख। दाल भात में मूसल चंद्र, पीसीएस मेंस में इस बार आया था ये, बीच में दखल देने वाला। दाल भात में मूसल चंद, बीच में दखल देने वाला। हाथ पांव फूलना अर्थात घबरा जाना, अर्थ क्या होगा हाथ पांव फूलना का? डर के घबरा जाना। गाल बजाना अर्थात व्यर्थ की बातें करना। कंप्यूटर से कैसे सवाल आते हैं, एक नमूना आपको पेश करता हूं। कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कंप्यूटर किसे कहते हैं? अब डेली के सवालों में कंप्यूटर का भी सवाल रहेगा, क्योंकि आता है, इसको आप हल कर लेंगे, आसान होते हैं। तो देख लीजिएगा कैसे इसके सवालों को आप लिखेंगे। कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अमूमन 5 या 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ठीक है ना, स्वचालित है। एक बार डाटा आप उसमें इनपुट देने, निर्देश देंगे तो अपने आप कार्य करेगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। आप इनपुट देते हैं कीबोर्ड आदि के माध्यम से, उसको ग्रहण करता है तथा जो निर्देश दिया जाता है उसी के अनुरूप उनका विश्लेषण करके, परीक्षण करके परिणाम देता है आउटपुट के माध्यम से, ठीक है।
तो आउटपुट के रूप में निर्गत करता है परिणामों को। कंप्यूटर की विशेषताएं पूछा है, तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है, न के बराबर रहती है, अर्थात वही एक बार निर्देश दिए जाने के बाद वह बिना रुके अपना कार्य करता है जब तक कि मानव उसमें हस्तक्षेप न करे। कंप्यूटर 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं करता है, अतः समय की इससे बचत होती है। वर्तमान समय के कंप्यूटर तो नैनो सेकंड में गणनाएं कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स दुनिया भर कंप्यूटर्स बन रहे हैं, ठीक है ना, बहुत तेज तेज कंप्यूटर्स बन रहे हैं, तो ये 1 सेकंड में जो है नैनो सेकंड्स में गणनाएं कर रहे हैं लाखों। कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानव दोषों से रहित है, यह न तो थकता है, न तो रोता है, न तो हंसता है, अर्थात यह मानवीय दोषों से रहित है, हर समय ये समान क्षमता से कार्य कर सकता है, ठीक है ना। कंप्यूटर में गोपनीय दस्तावेज रखे जा सकते हैं पासवर्ड के माध्यम से, आप पासवर्ड बना करके कोई भी डॉक्यूमेंट अपना कहीं पर प्रोटेक्ट उसको कर सकते हैं, ठीक है, रक्षा उसकी कर सकते हैं। इसके द्वारा की गई गणनाएं त्रुटि रहित होती हैं, उसमें त्रुटि की संभावनाएं नहीं रहती हैं। जो गणनाएं गलत हो भी जाती हैं वह मानवीय गलतियों के कारण होती है, जैसे MCR आपका है, सॉरी जो OMR सीट होती है उसमें आपने कुछ गलती कर दी है तो कंप्यूटर उसको एरर बता देता है, तो कंप्यूटर गलती नहीं, वो आपकी गलती रहती है ना। आजकल कंप्यूटर का अनेक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, रक्षा, मौसम विज्ञान आदि, कौन सा ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, इतनी विशेषताएँ पर्याप्त हैं। इस तरह से आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे। दोस्तों यदि आप लोग कहें तो टेलीग्राम पे एक ग्रुप में बना देता हूं RO मेंस के लिए, केवल सिर्फ RO मेंस 2017 के लिए। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं एक ग्रुप बना दूं, उसमें अध्ययन और अच्छे से हो पाएगा, वहां सारी वीडियोस में डेली डाल दिया करूंगा, और जो PDF है ये सब भी वहां पर उपलब्ध करा दूंगा। तो ये आप लोग बताइए कि यदि चाहिए तो टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना देता हूं। आज के लिए इतना ही, कहीं हमको निकलना है, फिर कल से डेली हो सकेगा तो एक की जगह दो वीडियो में अपलोड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।